आबिद अली को जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता उसको, कभी देखा भी नहीं। नहीं मैंने कभी देखा ही नहीं, आज देखा उसको सर जब पकड़ के लाए। आज देखा उसको? हाँ जी आज पकड़ के जब लाए हैं इधर। कौन पकड़ के लाए? पुलिस वाला। किसको? आबिद को। आपने देखा है उसको? हाँ जी। बासित अली और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली यूट्यूब चैनल। में इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर मैंने सुना है कि आबिद अली जो मुजरिम था वो जॉब करता था। ये ऐसा एक पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप का मुझे पता चला है कि वो इस पेट्रोल पंप पे जो है वो जॉब करता था। मुझे खुद अभी सही तक क्लियर नहीं है, लेकिन अब आगे चलूँगा, अंदर की इंतजामिया से पूछूँगा कि क्या चक्कर है। लेकिन पहले एक भाई हैं, उनसे थोड़ी डिटेल लेते हैं, कौन सी जगह है, कौन सा पेट्रोल पंप है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है जी। अच्छा आप आबिद अली को जानते हैं? नहीं सर मैं नहीं जानता। अच्छा मैंने सुना है कि वो इस पेट्रोल पंप पे काम करता था, क्या सही है? ये ऐसे ही सुना है जी, ऐसे काम करता है। तो आप उसके किसी रिश्तेदार को जानते हैं? ओदे चाचू नु जानने है। चाचू? चाचू को कैसे जानते हैं आप? वो साडे को उथे गांव रहंदा सी किराए ते। ते वो कैसे लोग हैं, फैमिली वाइज? फैमिली बहुत अच्छी है, और कोई इस बच्चे दा नहीं पता है कि ये कैसा है। अच्छा तो इस पेट्रोल पंप का नाम क्या है? इस पंप दा मल्ली वाला सा दिन, मलियां दा मली नहीं, इलाका कौन सा है ये सारा? किला स्टारशा। किला स्टारशा, किला रोड कौन सी है जो बैठे? कोटपिंडी दास। कोटपिंडी। और ये जो पंप है इसका कोई नाम नहीं है? इदा मेनू नाम दा नहीं पता, मैं चिट्टा पाड़ा सर। चले कोई बात नहीं, लेकिन हमें नाजन ये पता चला कि वो इस पंप पे जॉब करता था। अब चलते हैं अंदर इंतजामिया की तरफ, और मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि क्या वो आबिद अली को जानते हैं, अगर जानते हैं तो उसके बारे में क्या जानते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन इस वक्त मैं इस पेट्रोल पंप के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप पे जो काम करते हैं लोग उनके साथ मौजूद हूँ। इनसे जानता हूँ कि मैंने सुना था कि आबिद अली जो है वो यहाँ काम करते हैं और काम करता था, और तो इन लोगों से मैं जानूंगा कि वो वाकई इधर काम करता था, अगर करता था वो कौन है, उसका बिहेवियर क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा जी जी। तो आप आबिद अली को जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता उसको, कभी देखा भी नहीं। नहीं मैंने कभी देखा ही नहीं, आज देखा उसको सर जब पकड़ के लाए। आज देखा उसको? हाँ जी आज पकड़ के जब लाए हैं इधर। कौन पकड़ के लाए? पुलिस वाला। किसको? आबिद को। आपने देखा है उसको? हाँ जी। पुलिस ने आबिद अली को पकड़ा है? नहीं पकड़ा। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम, इधर आए जी, थोड़ा सा आगे होंगे। आप आबिद को जानते हैं? सिर्फ आबिद अशफाक साहब को मिलने के लिए पैसों के मामले में आया था, उस दफ़ा देखा था, और फिर नहीं मैंने देखा। मुझे 3 से 4 दिन हुए इधर पंप पे आए हुए, फिर मैंने देखा ही नहीं वो। आप उसको आबिद अली को जानते कैसे हो, कि आबिद अली का नाम आपको कैसे पता चला कि आबिद अली है जो आया था, उससे पहले आप उसे कैसे जानते थे? अशफाक साहब ने बोला था कि आबिद अली यार तुम्हारे पास तुम्हारे बकिया रकम है, इसलिए मुझे पता चला कि यार इसका नाम आबिद अली है। और उसके बाद मुझे कोई नहीं इलम, मैं इधर 3 से 4 दिन पहले इधर पंप पे आया था। उससे पहले आप इधर काम नहीं करते थे पंप पे? दूसरे पंप पे काम करते थे, कोट अब्दुल मालिक से पहले। मैंने सुना है कि आबिद अली का नाम आबिद मल्ली भी है। ये नहीं मुझे इलम, पता नहीं आबिद अली ये सुना था मैंने बस। आबिद मल्ली सुना, और इस मालिक भी जो हैं वो आबिद मल्ली अशफाक मल्ली हैं जो इसके मालिक हैं? आबिद अली नाम सुना था, जो है अशफाक मल्ली इस पंप के मालिक हैं। इशफाक मली, खैर वो भी आबिद मली उसका नाम है, लोग जो बता रहे हैं आबिद मली है। तो आपने उसके बाद नहीं देखा? नहीं देखा। ये कह रहे हैं कि पुलिस ने शायद पकड़ के लाया, ये तो मुझे नहीं इलम पुलिस ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। तो चले कोई बात नहीं, घबराए नहीं। आप जानते हैं जी? नहीं जी मैं सर नहीं जानता। बिल्कुल जानते ही नहीं आबिद अली कौन? बिल्कुल नहीं जी। चले ओके नाज़रीन, अभी आगे आपको और भी मैं रिपोर्ट देता रहूँगा, अभी मामला बड़ा संगीन हो गया यहाँ बोलना बाहर, और भी आपसे मैं बात करता हूँ, तो चलते हैं।